हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स तो अभी जेके एस एस बी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम चल रहा है और जेके एस एस बी भी ट्वीट्स करके ये बता रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह एग्जामिनेशन हो रहा है जेके एस एस बी कमांड कंट्रोल सेंटर्स से आप देख सकते हो ये फोटोज को और जेके एस एस बी कमांड कंट्रोल सेंटर से ये एग्जामिन किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर्स में कोई चीटिंग या कोई गड़बड़ ना हो जाए अभी अभी और एक ट्वीट जेके एस एस बी ने किया कि एक बच्चे का सोपर में फोन पकड़ा गया तो उसको डिस्कालीफाई कर दिया गया इन शॉर्ट अभी तक जितना हमें पता चला अभी तो बच्चे एग्जाम ही दे रहे हैं क्लास

टारगेट था हमारा 40 दिन में जे के पी की कोचिंग कराना लेकिन हमने 38 डेज़ में ही कोचिंग कवर कराई इस टाइम हम ज़्यादा ही सीरियस थे टाइम को ले ठीक है अब यहाँ पे ये यह बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये आपका खत्म हो लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी कुछ और चीज़ें लानी है हमें वो हम लाएंगे हम जेके पी SI के लिए आपको बताएंगे कि कल परसों तक एक वीडियो आएगा जिसमें हम और आपको बताएंगे कि हम जेके पी SI का लेवल कैसे बढ़ाएंगे हमने आपको ऑलरेडी कवर तो कराया है यूट्यूब चैनल यूट्यूब प्लेलिस्ट में देख लीजिए एक प्लेलिस्ट तो आपके लिए बनाया है ताजा ताजा, ताजा ताकि आपको ढूंढना ज्यादा ना पड़े आप देखिए इन वीडियोस को टेस्ट जाइए ऐप में दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अच्छा हाँ ऐप और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जाके ज्वाइन करो दोनों जगहों पे एक जगह टेस्ट मिलेगा एक जगह नोट्स मिलेंगे नोट्स फ्री मिलेंगे टेस्ट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ऐप भी हमसे पैसे ले रहे हैं ठीक है थोड़े से अब यही बताना है मुझे बाकी आप अभी जो जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर दे के निकलेंगे बच्चे तो हम उसका पेपर एनालिसिस भी लाएंगे ठीक है ना मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा पेपर हो गया होगा और अगर Uh, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट बच्चे फेल करेंगे इस एग्ज़ाम में क्योंकि सीटें कम है गवर्नमेंट सेक्टर ही इतना छोटा है कि वो सबको एडजस्ट नहीं कर सकता ठीक है ना ये एक रियलिटी है जो आपको जाननी है तो जितने भी बच्चे जो अगर जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं आगे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आएंगे बहुत सारे पोस्ट हैं और भी हमें आपको पढ़ाना है और भी आपको खुद पढ़ना है आपको वर्क हार्ड करना है आपको हासिल करना ही है लाइफ में कुछ बेटर ओके बाय